यूपी के बुलंदशहर में कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ने को बुलंदशहर तैयार है। सीएमओ डॉक्टर विनय सिंह बोले, बुलंदशहर के 15 हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट है, 14 प्राइवेट प्लांट, पर्याप्त बेड्स की व्यवस्था है, एक L1 और 4 L2 श्रेणी के कोविड हॉस्पिटल तैयार हैं। कोरोना के इस मुद्दे पर जीनोम टेस्टिंग को निर्धारित लैब भेजे जाएंगे। सीएमओ ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की भी अपील की। हमारे जनपद में 14 सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट्स हैं और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन प्लांट है। जो हमारे जो कर्मचारी हैं उनको ऑक्सीजन प्लांट को ऑपरेट करने की प्रशिक्षण दिया गया है और वो उसको नियमित रूप से रोजाना चलाते हैं, उसकी उनकी फंक्शनैलिटी चेक करते हैं। सभी ऑक्सीजन प्लांट्स पर जनरेटर की भी व्यवस्था है कि अगर किसी वजह से बिजली की आपूर्ति नहीं होती है तो जनरेटर के द्वारा हम उनको चला सकते हैं। कोरोना के लिए हमने 5 डेडिकेटेड अस्पताल बना रखे हैं, इनमें से कि एक L2 श्रेणी का है और 4 अस्पताल L1+ श्रेणी के हैं, जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में हमारे पास बेड उपलब्ध हैं। किसी भी परिस्थिति को हम के लिए भी हम तैयार हैं। बाकी जिस तरह से पहले हमने कोरोना में अपना काम किया था, टेस्टिंग और ट्रैक करके उनको और ट्रीट करके और साथ ही वैक्सीनेशन के साथ साथ हम बाकी प्रिकॉशंस के लिए हम पूरी जनता से अपील करेंगे। कोरोना के जो प्रिकॉशंस हैं उनको अपनाते रहें, जैसे कि मास्क पहने, दूरी बना के रखें और लगातार निरंतर हाथ धोते रहें या सैनिटाइजर का उपयोग करें। अभी ऐसा है कि जो हमारे कोरोना पॉजिटिव आएंगे उनको हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कंफर्म करने के लिए कौन सा वेरिएंट है इसको पर्टिकुलर किसी लैब में भेजेंगे, जो हमें डेजिग्नेट होगी जल्दी कि हमें बुलंदशहर से कहाँ पर भेजना है। तो जैसे ही हमको पता चलेगा एक दो दिन में, तो हम जो भी हमारे पॉजिटिव केसेज आएंगे उनको जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए उनके सैंपल भेजेंगे।